हेलो फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं पहले सब्सक्राइब एंड लाइक कर लीजिए। मेरा चैनल का नाम है सुपर टेस्ट नीलेश। तो यार दोस्तों, आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि आपके जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर वो कैसे बनाता है। तो सबसे पहले इसे आपको विजुअल बेसिक ओपन करना है, और फर्स्ट वाला है जी है यहाँ पर, ये वाला आपको फर्स्ट वाला जो है बेसिक एप्लीकेशन। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो ये ओपन किया है, और ये ग्राफिक डिज़ाइनर। तो सबसे पहले ग्राफिक डिज़ाइन करना पड़ता है, उसके बाद उसका कोडिंग लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अभी ये ग्राफिक डिज़ाइन करेंगे, जैसे बटन है, टेक्स्ट बॉक्स है, लेबल है, सब यहाँ पे हम सेट करेंगे और बना के उसके बाद इसमें अलग से हम उसका कोडिंग जो है वो करेंगे, तभी एक आप बेस्ट सॉफ्टवेयर जो है वो बना सकते हो। इसमें यहाँ पे आपको कोडिंग लिखना पड़ता है। यहाँ पे एक लेबल लगा दी है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये मैंने पूरा डिज़ाइन किया है। अभी एक एक पे क्लिक करके यहाँ पे आपको कमांड बटन जो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे हर तरह के अलग अलग बटन जो होते हैं वो आपको खुद को बनाना पड़ता है। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो मैं कोडिंग जो है वो कैसे डालूँगा। तो हर एप्लीकेशन का आप देख सकते हो यहाँ पर फॉन्ट बोल्ड वगैरह बड़ा छोटा कुछ भी कर सकते हो। और यहाँ पे अभी आपको कोडिंग जो है वो कैसे किस में डालना है, तो जो बटन अपने कमांड बटन होता है तो उसको लिए है, तो उस पर आपको डबल क्लिक करना है। उसके बाद उसमें आपको यहाँ पे अभी आपको डबल क्लिक किया, अभी यहाँ पे कोडिंग डालना रहता है। तो कोडिंग डालोगे तो उसके बाद आपका जो प्रोग्राम है वो सब जितने बटन आपने रखे होंगे उसका पूरे आपको सबका कोडिंग अलग अलग जो है वो डालना पड़ेगा, तभी आपका सॉफ्टवेयर जो है वो रन कर पाएगा। तो हमने सिंपल सा प्रोग्राम एक बनाया है यहाँ पे कैलकुलेटर, जैसे कि कैलकुलेटर मोबाइल है या अलग से जो बेसिक आप टेक्निकल वाला जो यूज़ करते हो वो कैलकुलेटर अलग होता है, और ये आप मोबाइल में भी या कहीं पे कंप्यूटर में भी ये रहता है खुद से बनाया हुआ। तो कंप्यूटर के जो प्रोग्राम होते हैं तो इसमें आप विजुअल बेसिक सिक्स में आप अपने खुद से सॉफ्टवेयर बना सकते हो कंप्यूटर के, और ASP.NET में भी मोबाइल वगैरह सब का अलग अलग सॉफ्टवेयर जो है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि हम कैसे यहाँ पे ये कोडिंग जो है ये डाल रहे हैं, कोडिंग पूरा डाल देंगे उसके बाद प्रोग्राम कैसे रन करवाते हैं वो आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं ये हम कोडिंग जो है वो अच्छी तरह, कुछ मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका जो प्रोग्राम है वो रन नहीं कर पाएगा। जैसे कि कुछ भी काम करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत कुछ भी मिस्टेक हो गए तो वो गाड़ी है चाहे कोई भी हो चीज़ तो वो चल नहीं पाती, वैसे ही यहाँ प्रोग्राम में भी होता है। जो कोडिंग है उसका बराबर नहीं डालोगे तो आपका प्रोग्राम रन नहीं हो पाएगा, एक भी चीज़ छूट जाएगी तो नहीं होगा। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो पूरा कोडिंग जो डाल दिया है और अभी रन करवाया है। तो यहाँ पे ये नंबर 8 और 9, तो इसका प्लस करते हैं तो 17 आता है। तो जैसे हमने ये पूरा माइनस का भी किया है, इनटू का किया है और परसेंटेज का भी किया है, और ये कितने 5 बटन रखे तो 5 या 6 बटन ये सब वर्क करे, क्लियर कर दिया, तो सब एग्जिट भी कर दिया। अभी ऐसे आप रन करवा सकते हो आपके सॉफ्टवेयर। अभी इसको हम सेव करके रख देंगे, और आपको यूज़ करना है तो कंप्यूटर में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऐसे डिज़ाइन करना रहता है तो सॉफ्टवेयर बन जाएगा। तो अभी हम इसको सेव कर रहे हैं, यहाँ पे डेस्कटॉप पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेटर ऐसा लिख देना है या आपके प्रोग्राम का नाम जो रहेगा वो। तो यहाँ पे ये कैप्शन की जो ड्रॉप डाउन ये बॉक्स जो है ये आप प्रोग्राम ओपन किया है, तो इसको रन करते देखो। तो यहाँ पे हम आपको वापस दोहराते हैं 9 नंबर और यहाँ पे 7, तो इसका प्लस करते हैं तो कितना आता है 16, और ये माइनस किया तो 2 × 63। ऐसे आप परसेंटेज क्लियर एग्जिट कर सकते हैं, तो आपका जो प्रोग्राम है वो ऐसा रन कर पाएगा। अभी यार दोस्तों, आपको पूरा मैंने दिखा दिया है कैसे ग्राफिक क्या करना है, डिज़ाइनिंग ये हुआ है। तो आज के लिए बस अभी इतना ही, देखेंगे कल नेक्स्ट मंडे को वापस मिलेंगे। यहाँ पे आप कैप्शन ये बटन जो देख रहे हैं, यहाँ पे अलग से ये प्रॉपर्टीज़ है, तो इसमें पूरे बटन की और पूरा जो कमांड बटन है उसका यहाँ पे पूरा सिस्टम जो दिया हुआ है, तो ये आपको प्रॉपर्टी अच्छी तरह देखना है, उसके बाद ही आप डिज़ाइन कर पाते हैं। तो यहाँ पर अभी डिज़ाइन मैंने कैसे किया यहाँ पर देख सकते हो, और सेव किया, उसके बाद सेव प्रोजेक्ट भी करना पड़ता है, उसके बाद ही आपका प्रोग्राम पूरी तरह से सेव हो पाएगा। और अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पूरा सेव कर दिया है, और अभी सेव हो चुका है। तो उसके बाद हम अभी जब भी ज़रूर होगी तो काउंटिंग करना है कोई भी, तो ये ओपन कर लेंगे हम कैलसी, तो अपने आप काउंटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी ये हमने पूरा काउंटिंग कर लिया है और सेव भी कर दिया है, और नया ये फोल्डर बना के विजुअल बेसिक का यहाँ पर हम अभी इसको सेव कर देंगे, इसी प्रोग्राम के नाम से हम सेव करेंगे विजुअल बेसिक। तो यहाँ पे अभी हम विजुअल बेसिक लिख रहे हैं, उसके बाद इसी के अंदर वो प्रोग्राम जो हमने जो बनाया है वो इसी के अंदर अभी हम सेव कर देंगे।
जिस ड्राइव में हमने फोल्डर बनाया वहीं पे सेव करना है। तो दोस्तों अभी हम आज के लिए इतना ही बोलेंगे, कल नेक्स्ट मंडे को वापस मिलेंगे। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू गाइज़।